इस वीडियो में हम देखेंगे एवरेज से पार्ट फोर, और पार्ट फोर में हम देखेंगे बैटिंग और बॉलिंग एवरेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, और देखेंगे कुछ उसकी एप्लीकेशंस को भी, जानेंगे कैसे हम उन्हें स्मार्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है, स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, एवरेज के पार्ट फोर में हम देखेंगे बैटिंग और बॉलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, और उसके ऊपर एक दो क्वेश्चन एप्लीकेशन के तौर पे भी देखेंगे कैसे आते हैं, और उन्हें हम कैसे स्मार्टली सॉल्व कर सकते हैं ये भी हम सीखेंगे। तो अगर आपने एवरेजेस के पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं जो मैंने दिए हैं अभी तक, तो यहाँ पर नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करके आप वो सारे पार्ट्स देख सकते हैं। अगर आप मोबाइल पर इसे देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर कॉर्नर में लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप वो सारे पार्ट्स देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना समय गवाए। पहली प्रॉब्लम लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। अ बैट्समैन प्लेड 40 इनिंग्स विथ एवरेज स्कोर ऑफ 50 रन्स, कि कोई बैट्समैन है जिसने 40 इनिंग्स खेली और उसका एवरेज स्कोर कितना है, 50 रन है। हिज हाईएस्ट स्कोर एक्सीड्स हिज लोएस्ट स्कोर बाय 172 रन्स, मतलब उसका जो सबसे अधिकतम स्कोर है वो सबसे न्यूनतम स्कोर से कितना अधिक है, 172 रन क्या है अधिक है। इफ दीज टू इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड देन स्कोर एवरेज स्कोर ऑफ हिज, यहाँ पे एक स्कोर काट दीजिए, देन एवरेज स्कोर ऑफ हिज रिमेनिंग इनिंग्स इज 48 रन्स। कह रहे हैं कि अगर इन दोनों इनिंग्स को निकाल दिया जाए, किन दोनों इनिंग्स को, सबसे हाईएस्ट वाली और सबसे लोएस्ट वाली, इन दोनों इनिंग्स को निकाल दिया जाए तो उसका जो एवरेज स्कोर अब बचता है वो कितना बचता है, 48 रन्स। तो आपको क्या बताना है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट स्कोर ऑफ दिस बैट्समैन। ये आपका एसएससी सीजीएल 2011 का सवाल है, तो आपको बताना क्या है कि उसका हाईएस्ट स्कोर क्या होगा। तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके हैं हमेशा की तरह। एक तो आपका ट्रेडिशनल वे होगा जिससे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, हालांकि वो भी कठिन नहीं होते हैं, बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं। और दूसरा तरीका होगा आपका जो भी स्मार्ट वे होगा, जिसको करने का आप आसानी से उससे क्वेश्चन कर सकते हैं, ज़्यादा उसमें कॉपी पेन का यूज़ हम नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ट्रेडिशनल वे बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पता क्या है कि बैट्समैन है तो उसकी 40 इनिंग्स का एवरेज कितना है, 50 है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका सम निकाल सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ 40 इनिंग्स कितना निकल के आ जाएगा, 50 गुणे में 40, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2000। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर कह रहे हैं कि दो इनिंग्स को निकाल देते हैं, ठीक है। दो इनिंग्स को किसको निकालें, सबसे लोएस्ट वाली और सबसे हाईएस्ट वाली, या उससे पहले जो कंडीशन है उसे भी अभी ही ले लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि उसके हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर में 172 रन का डिफरेंस आ रहा है। मतलब दूसरे तरीके से इसे आप कहना चाहें, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मिनिमम स्कोर से हाईएस्ट स्कोर क्या है, 172 रन ज़्यादा है। इसका मतलब अगर हम मान लेते हैं कि मिनिमम स्कोर क्या है उसका, एक्स है, तो उसका हाईएस्ट स्कोर कितना होगा, एक्स प्लस 172 होगा। इतनी बात समझ में आई, चलिए फिर आगे क्या कह रहे हैं कि इन दोनों इनिंग्स को निकाल देने के बाद उसका जो एवरेज बचता है कितना होता है, 48 रन्स। मतलब दो इनिंग्स निकाल देंगे तो अब कितनी इनिंग्स बचेगी, तो इनिंग्स बचेंगी आपकी 38, और उनका एवरेज कितना है, 48 है। तो इसका भी हम सम निकाल लेते हैं, सम ऑफ 38 कितना निकल के आ जाएगा, 48 इंटू में 38, इसे आपको गुणा करना होगा और आपका ये सम निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, 38 इनिंग्स का उसका सम कितना आ रहा है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो इसका गुणा कर लीजिए आप जल्दी से, आप कैसे कर सकते हैं गुणा, तो इसे आप जल्दी से मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, सारी ट्रिक्स मैंने आपको स्पीड मैथ की वीडियोस में ही बता दी है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके देख सकते हैं, तो आपको ये सारे तरीके पता चल जाएंगे। देखिए, इसे अगर मैं 43 प्लस 5 में अगर तोड़ लेता हूँ तो मुझे ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 43 प्लस 5 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे 38 को क्या लिख सकता हूँ, 43 माइनस 5 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आपको पता चल गया, अब ये क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है इसका रिजल्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 43 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 43 का स्क्वायर आप सबको पता होगा कि सारी चीज़ें बता दी है मैंने, 1849 होगा, और इसमें से आप 25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1824। अब अगर मुझे ये तरीका पता है, अगर मैंने
वीडियोस देखी हैं और मुझे ये तरीका पता है कि ऐसे मैं कर सकता हूँ, तो आप विश्वास नहीं मानेंगे कि ये पूरा पार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पे आपको गुणा नहीं करना है, ना तो 48 को 8 से, कुछ नहीं। केवल मैं अपने दिमाग में ही बस इसे फिट कर लेता कि इसके बीच में इवन की गैपिंग है, 10 की गैपिंग है, तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें फिट कर सकता हूँ जिसको मैं ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में निकाल सकता हूँ। ये सोचने में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 1 या 2 सेकेंड लगेगा और उसके बाद बस मुझे दो वैल्यूज़ पता चल गई, 4305, एक का स्क्वायर करके दूसरे के स्क्वायर करके उससे घटा लेना है, बस 1824 आ गया। तो ये 38 इनिंग्स का सम आया है कितना, 1824। अब हम देख लेते हैं दोनों इनिंग्स के बीच का डिफरेंस कितना होता है। तो हम क्या कर लेंगे, S40 में से S38 को माइनस कर लेंगे, तो ये कितना है आपका 2000 माइनस में कितना आ जाएगा 1824। अब इन दोनों को घटा दीजिए आप, तो दोनों को घटाने के बाद कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 1, कितना मिल गया आपको 176। और ये जो 176 है ये क्या है कि जो दो इनिंग्स हमने निकाल दी हैं उसका सम होगा, ठीक है, मतलब उन दोनों इनिंग्स को जोड़ देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 176 मिल जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। और दूसरी चीज़ हमको क्या पता है कि यहाँ पे हमने मान लिया है मिनिमम स्कोर कितना है x और मैक्सिमम कितना है x प्लस 72, मतलब इन दोनों को जोड़ के हम 176 के बराबर कर सकते हैं। तो कर लीजिए, x प्लस 172 इज्क्वल टू 176, घटा लीजिए ये कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ पे 172 इससे घटेगा कितना आ जाएगा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। आपको मिनिमम स्कोर पता चल गया कितना है 2, मैक्सिमम कितना होगा इसमें आप बस 2 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 174। तो मिनिमम पता चला, मैक्सिमम भी हमको यहाँ से पता चल गया 174। क्वेश्चन में पूछा गया हाईएस्ट स्कोर कितना होगा मैक्सिमम, तो वो कितना गया 174, मिनिमम पूछा होता तो 2 आ गया। तो ये तो था इसे करने का क्या ट्रेडिशनल मेथड जैसे हम करते हैं। देखिए कठिन नहीं है, कहीं पर भी आपको कठिन नहीं लगेगा अगर आपने अप्रोच सही लगाया है, सही तरीके से इसे सोचा है। तो ज़्यादातर लोग सोच के ही घबरा जाते हैं कि कैसे कर पाएंगे क्वेश्चन को अगर ऐसे आते हैं। तो एक तो ये इसका ट्रेडिशनल तरीका था, दूसरा हम इसे थोड़ा और कैसे कर सकते हैं, थोड़ा इसमें मॉडिफिकेशन कैसे ला सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमको क्या पता है कि 40 इनिंग्स का स्कोर कितना है 50 है, ठीक है, और उसके बाद क्या पता है कि 38 इनिंग्स का स्कोर कितना हो जाता है, वो हो जाता है 48। तो इसे अगर आप दूसरे शब्दों में अगर थोड़ा सा अपने आप को एज्यूम मोड में डालिए, तो इसे हम एज्यूम कर लेते हैं 40 लोग हैं जिनके पास 50 रुपये हैं, जिनमें से 2 लोग चले जाते हैं, तो 38 लोग बचते हैं, तो उनके पास एवरेज कितना बचता है 48 रुपये बचता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 लोग गए हैं वो अपने साथ कितना ले गए हैं, 50-50 रुपये तो ले ही गए हैं, मतलब अभी वो कितना रुपये लेके चले गए हैं, 2 लोग को निकाला तो 50 × 2 100 रुपये लेके चले गए, लेकिन उन्होंने क्या किया है बाकी लोगों के एवरेज में से कितने की कमी ला दी है, 2 की कमी ला दी है। इसका मतलब क्या होगा कि जो बाकी अब 38 लोग बचे हैं यहाँ पे, उन सब की पॉकेट से भी वो 2-2 रुपए निकाल के गए हैं, तभी ये एवरेज घट के कितना आ गया है 48 आ गया है, ठीक है। तो 2-2 रुपए अगर 38 लोगों की पॉकेट से निकाले होंगे तो कितने रुपए और निकाल लिए होंगे, तो 2 का गुणा करिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 76। तो अब आप बताइए दोनों, ये जो 2 लोग गए थे उनके पास टोटल मनी कितना हो जाएगा, 100 + 76 कितना हो जाएगा 176। और हमको क्या पता है कि उनके स्कोर के बीच का डिफरेंस कितने का है, 172 का, ये क्या आ गया डिफरेंस, और ये आ गया उनके पास टोटल मनी, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, यहीं पे आपको आंसर मिल जाता है। तो यहीं से आपको आंसर कैसे मिल जाता है, देखिए यहाँ पे कई सारे तरीके हो सकते हैं इसे करने के, तो आपको क्या मिलाना है कि दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। आपको पता है 176 को 2 पार्ट में तोड़ना है इस तरीके से कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 172 है, और सम जो उनका है वो कितना आ जाए, वो आ जाए 176। तो ऐसा आप कैसे कर सकते हैं, तो मान लीजिए अगर मिनिमम स्कोर मैं 1 ले लेता हूँ, तो 1 ले लूँगा तो मैक्सिमम स्कोर कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा। देखिए इनको जोड़ने पे 176 तो आ रहा है, लेकिन घटाने पे 174 आ रहा है, जो कि गलत कंडीशन है। 2 ले लीजिए अगर, तो क्या होगा कि 2 ले लिया तो दूसरा कितना हो जाएगा 174 हो जाएगा, अगर इनको जोड़ूंगा तो 176 आएगा और घटा दूंगा तो 172 आ जाएगा, मतलब ये आपको मिल गया मैक्सिमम मिनिमम का पेयर 2 और 174। ऑप्शंस में दिए रहेंगे तो आप ऑप्शन से डायरेक्ट भी इसे पुट करके देख सकते हैं, ठीक है, ऑप्शंस आपको 4-5 मिलते हैं तो वहां से आप डायरेक्ट पुट करके भी देख सकते हैं, वरना इस तरह भी इसे देख सकते हैं। और थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाइए तो इसे आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि आपको x प्लस वाई पता है, x माइनस वाई पता है, घटा लीजिए आ जाएगा आंसर। तो बहुत सारे तरीके हैं इसे सॉल्व करने के, तो ये सबसे आसान तरीका है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो इस पर क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ जिससे आपकी जो
पकड़ है वो थोड़ी और मजबूत हो जाए। लेकिन इस बार हम ट्रेडिशनल तरीका नहीं देखेंगे, क्योंकि वो हमको पता चल गया है कि कैसे करना है, हम अपने ही तरीके से करेंगे इसे। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अ बैट्समैन प्लेड 30 इनिंग्स विथ एवरेज स्कोर ऑफ 40, कि 30 इनिंग्स खेली हैं उसने और उसने स्कोर कितना बनाया है 40 का हर इनिंग में, एवरेज ये कितना आया 40। हिज हाइएस्ट स्कोर इसकी एक्सीड्स हिज लोएस्ट स्कोर बाय 100 रन्स, कि उनके बीच का डिफरेंस कितने का है, हाइएस्ट लोएस्ट का 100 रन है। ओके करें इफ़ दीज टू इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड देन स्कोर, फिर से यहाँ पे स्कोर आप कैंसिल करिए, एवरेज स्कोर ऑफ हिज रिमेनिंग इनिंग इज 38 रन्स, कि अगर यहाँ पे दोनों इनिंग्स को निकाल दिया जाए तो उनके बीच का जो एवरेज निकलता है वो कितना आ जाता है, अब 38 रन आ जाता है। तो अगर हम दो इनिंग्स इसमें से घटा देंगे तो कितनी इनिंग्स बचेंगी, 28 इनिंग्स, इनका एवरेज स्कोर अब कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। तो आपको बताना क्या है, हाईएस्ट स्कोर कितना होगा। तो बस उसी तरह करना है, हमको पता क्या है कि दो लोगों को निकाला गया है, मतलब पहले उनका एवरेज कितना था, 40 था, तो दो लोगों को जब निकाला गया होगा तो वो अपना एवरेज के बराबर अमाउंट तो लेके गए ही होंगे, तो 40 गुणे में दो करेंगे कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। फिर उसके बाद उन लोगों ने और औसत को कम कर दिया है दो से कम किया है, चाहे यहाँ दो रहे चाहे पाँच रहे, तो दो से कम किया, इसका मतलब सब की पॉकेट से दो दो रुपये निकाल लिया है। तो 28 में से आप दो घटा यहाँ पे गुणा करिए तो आपको क्या मिल जाएगा कि सब की पॉकेट से टोटल कितना रुपया निकाला गया है। तो 28 गुणे में दो करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 56। इन दोनों को जोड़िए तो कितना आ गया, 36। मतलब उन लोगों के पास टोटल अब कितना अमाउंट था, तो टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे पता चल गया, 136 रुपये उनके पास अमाउंट है उन दोनों लोगों के पास जिनको निकाला गया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या बताया है कि उनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 100 का है। तो फिर से आपके पास वही बात आ जाती है कि आपको सेट करना है 100 को और 136 को इस तरीके से कि जोड़ने पे यहाँ पे क्या आना चाहिए, 136 आना चाहिए दोनों वैल्यूज़ को, और घटाने पे क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए। ऑप्शंस दिए रहेंगे तो वहाँ से करना आपके लिए बहुत ही आसान होता है, ऑप्शन नहीं भी हैं तो आप इसे कर सकते हैं ईजिली। देखिए एक तो तरीका ये हो सकता है कि मैं इसे मान लूँ कि ये क्या है, x प्लस वाई बराबर में 136 और x माइनस वाई बराबर में कितना गया, 100। यहाँ से वाई वाई कट गया, 2x बराबर कितना गया, 36, और x बराबर क्या गया, 18। x की वैल्यू 18 आ गई तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 118। तो आपको हाईएस्ट बताना है तो कितना गया, 118। इसे करने में मेरे ख्याल से आपको 3 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए, आप इसे माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये करने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो 118 आप यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हैं, वरना आप ऐसे ही सोचिए कि यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू लेते हैं, आपके पास 136 है, ओके तो आप सोचिए कि आप क्या यहाँ पे माइनस करेंगे कि माइनस होने के बाद वो कितना हो जाए, 100 पे पहुँच जाए, तो आप कितना माइनस कर सकते हैं। तो आप यहाँ से भी सोच सकते हैं इस तरीके से कि अगर एक वैल्यू हमारी 118 होगी, उसमें से 18 माइनस करेंगे तभी वो 100 जा सकता है, और 18 प्लस करेंगे तभी वो 136 जा सकता है। अगर इतना सोच सकते हैं तो अच्छी बात है, ऑप्शन से देख लीजिएगा तो वहाँ से हेल्प मिल जाए, क्योंकि वहाँ पर ऐसे वैल्यूज़ लिखे होंगी, 118, 117, 115, 116 ऐसे लिखा होगा, तो आप यहां से चेक कर सकते हैं। आप मान लीजिए 116 लेंगे तो दूसरी वैल्यू कितनी लेनी होगी, आप तो दूसरी वैल्यू आपको लेनी होगी 20, तभी जोड़ने पे 136 आ सकता है, लेकिन 16 में से 20 घटाएंगे तो 100 से नीचे चला जाएगा, जो कि गलत है। सेम काम यहाँ पे जब आप पहुँचेंगे 18 में से 18 घटा देंगे तो 100 अपने आप ही आ जाना है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ये सारे आपके गलत आंसर निकल आएंगे। कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, मेन मेरा मोटो था कि ये आप समझ सकें, ताकि आप ये दोनों चीज़ें अगर निकाल लिया आपने तो आगे का काम करना बहुत ही कठिन नहीं है। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। चलिए अब आ जाते हैं बॉलिंग के ऊपर, कि बॉलिंग एवरेज में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि इसकी जो कहानी है वो थोड़ा उल्टी होती है बैटिंग एवरेज से। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन, फिर आपको समझाता हूँ कि कैसे इन्हें करना है। लिखा हुआ है अ क्रिकेटर हुज़ बॉलिंग एवरेज इज 12.4 रन्स पर विकेट टेक्स 5 विकेट्स फॉर 26 रन्स एंड देयर बाई इम्प्रूव्स हिज एवरेज बाई 0.4 द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाई हिम टिल द लास्ट मैच वॉस। करें कि कोई क्रिकेटर है जिसका बॉलिंग एवरेज कितना है, 12.4 है, फिर क्या करता है कि वो 26 रन दे करके 5 विकेट और ले लेता है, मतलब नेक्स्ट इनिंग में वो ऐसा काम करता है, जिससे क्या होता है कि उसका एवरेज इंप्रूव होकर कितने से इंप्रूव होता है, 0.4 से इंप्रूव हो जाता है। तो आपको बताना क्या है कि पिछले मैच में तक उसने कितने विकेट लिए थे। तो देखिए यहाँ पर बात ये होती है एवरेज की, जब बॉलिंग की बात की जाती है, कि यहाँ पे जब भी बॉलिंग आपको इम्प्रूव कहेगा कि उसने एवरेज अपना इम्प्रूव किया है, ठीक है, बढ़ाया है अपना एवरेज, मतलब उसमें अच्छा काम किया है, तो बॉलिंग का एवरेज अच्छा तभी हो सकता है जब आपके रन क्या हो, कम हो।
ठीक, ऐसे आप समझ सकते हैं, मान लीजिए कि मैं 5 विकेट लेता हूं और रन कितने देता हूं, 10, तो मेरा बॉलिंग एवरेज कितना होगा, 2। तो ये क्या होगा कि मैं हर 2 रन दे करके 1 विकेट ले रहा हूं। लेकिन यहीं पे मैं 5 विकेट लेता हूं और मैं खर्च करता हूं रन 20, अब मेरा एवरेज कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो अब बताइए मेरा एवरेज 4 ज़्यादा अच्छा है बॉलर के तौर पर या 2? तो जाहिर सी बात है 2 ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर मैं 2 रन देता हूँ तो 1 विकेट ले लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर 4 रन देता हूँ फिर 1 विकेट लेता हूँ। ओके, तो बॉलिंग के केस में क्या होता है, ठीक इसका उल्टा होता है। जैसे हम बैटिंग के केस में देखते हैं कि जितना आप रन बनाए उतना अच्छा है, वैसे यहाँ पे आप जितना रन कम खर्च करिए उतना ही अच्छा होता है। तो अब यहाँ पे जैसे कहा गया है कि 12.4 से उसने अपना एवरेज इम्प्रूव किया है। इम्प्रूव करने का मतलब क्या है, उसने इम्प्रूवमेंट लाई है, मतलब रन को कम खर्च किया है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने कम रन खर्च करके ज़्यादा विकेट लिए हैं, इसी वजह से उसका एवरेज क्या हुआ है, इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, पहले वो 12.4 रन देकर के 1 विकेट लेता था, लेकिन अब केवल 12 रन देकर ही 1 विकेट ले रहा है। तो इसे करने का ट्रेडिशनल तरीका तो मेरे ख्याल से आप सबको पता ही होगा, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था वैसे इसको भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसका स्मार्ट तरीका है, कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे भी हम थोड़ा कन्वर्ट कर लेते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होती हो, कन्फ्यूज़न होता हो, बॉलिंग है एवरेज है, बहुत ज़्यादा हॉशपॉश होता हो दिमाग में, तो इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं कुछ सिंपल प्रॉब्लम में। कैसे आप समझ सकते हैं कि हम मान लेते हैं कि कुछ बच्चे हैं जिनके पास एवरेज में कितने हैं, 12.4 रुपये हैं। तो हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, एक्स हैं, तो इनके पास कितने रुपये हैं टोटल, इनके पास हैं, ये मान लीजिए संख्या है उनकी, तो इनके पास 12.4 रुपये हैं, सबके पास इतने रुपये हैं। फिर क्या होता है कि 5 बच्चे और आ जाते हैं इसमें, इसमें क्या होता है 5 बच्चे और आ जाते हैं, और ये कितना रुपए लेके आते हैं, 26 रुपए लेकर के आते हैं अपने साथ में। ओके, तो इनका एवरेज अब कितना हो जाता है, इनका एवरेज हो जाता है 12। ठीक है, मतलब ये 5 जो आए हैं, ये इनके आने से एवरेज क्या हो गया है, कमी आ गई है एवरेज में। तो अब आपको बताना क्या है कि पहले ये नंबर ऑफ एक्स स्टूडेंट्स या बच्चे कितने थे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लीजिए तो आसान हो जाएगा करना। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे देखने को ये मिलती है कि एवरेज क्या है, उसमें क्या आ जाती है, कमी। कितने की कमी है, 0.4 की यहाँ पर आ जाती है कमी। ओके, इतनी बात आप ध्यान से देखिएगा। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे 5 बच्चे आए हैं और इनके आने से कमी हुई है, इसका मतलब क्या है कि जितना भी पहले यहाँ पे बच्चे रहे होंगे, ठीक है, जितना भी यहाँ पे पहले बच्चे रहे होंगे और उनका एवरेज जो निकल के आया 12.4, तो इसका मतलब ये जो 5 बच्चे आए हैं ये अपने साथ 12.4 रुपये से कम रुपए लेकर के आए होंगे, तभी ये 12 हुआ है। अगर उतने ही रुपए लेके आते या उससे अधिक लेके आते पैसे तो एवरेज बढ़ता, लेकिन एवरेज क्या हुआ है, कम हुआ है। इसका मतलब ये 5 बच्चे कम रुपए लेकर के आए हैं। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि इनके पास कितने रुपए हैं। तो ये तो ईजिली आप निकाल सकते हैं, हमको क्या पता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता है और उनके पास कितने रुपए हैं ये पता है, एवरेज उनका पता है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा इसका। तो हम 12 को 5 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 60 रुपये आ जाएगा। इनके पास क्या है, टोटल है, ठीक है, 60 रुपये इनके पास टोटल है, लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि अपने साथ केवल 26 रुपये ही लाए थे। ठीक है, तो 26 रुपये लाए थे तो बाकी का पैसा क्या किया होगा, इन्होंने यहाँ पे जो बच्चे थे उनसे उधार लिया होगा, और सबसे कितना उधार लिया होगा, 0.4 रुपये सबसे उधार लिया होगा, तभी ये एवरेज यहाँ पे मेंटेन कर पाए हैं। तो 26 रुपये इनके पास थे, तो हम यहाँ पे 26 घटा लेते हैं तो हमको पता चल जाएगा कितना रुपये उधार लिया है। 26 घटाइए क्या आ जाएगा, आ जाएगा ये 34 आ जाएगा, मतलब 34 रुपये इन्होंने उधार लिया है बच्चों से, और सबसे कितना रुपए लिया है, 0.4 रुपये सबसे उधार लिया है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमको क्या पता है, एक्स पता है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं, और सबसे इन्होंने 0.4 रुपये उधार लिया है, तभी ये क्या बना है, 34 रुपये बना है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 34/0.4, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4×8=32 और 4×5=20, 85 आ जाएगा। तो 85 आपका क्या आ गया, 85 विकेट्स आ गए जो हमको पूछे गए थे। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 85। तो यहाँ पे आपने क्या समझा कि अगर हम इस क्वेश्चन को करने के तरीके में बदलाव ला दें या इस क्वेश्चन को देखने के तरीके में बदलाव ला दें तो इस क्वेश्चन को भी हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। बस इसे अगर हम बॉलिंग एवरेज या बैटिंग एवरेज ऐसे लेकर के चलते हैं थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी ऐसे बन जाती है कि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से खराब।
ठीक है, लेकिन ये होते नहीं हैं इस तरह के। तो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है कि हम मान लेते हैं कि एक्स बच्चे थे और सबके पास 12.4 रुपए थे, फिर उन्हीं बच्चों में पांच बच्चे और आ जाते हैं, उनके आने से एवरेज कितना बन जाता है, 12 का बन जाता है, और ये पता था कि ये अपने साथ 26 रुपए लेकर के आए हैं। ओके, तो एवरेज में कितने की कमी आ रही है, 0.4 की कमी आ रही है। इसका मतलब ये लोग पूरा पैसा लेकर के नहीं आए थे और इन्होंने सबकी पॉकेट में से 0.4 रुपये निकाल लिए हैं, तभी ये 12 हुआ है। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं अभी इनके पास पैसा कितना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, नंबर पता है, एवरेज पता है, गुणा कर दिया तो सम निकल के आ गया 60 रुपये, और पता है कि वो कितने रुपये लेके आए थे, 26 रुपये। तो कितने रुपये उन्होंने फालतू यहाँ पे लिए हैं लोगों से और उधार में लिए हैं, 34 रुपये उधार में लिए हैं, और हर एक से 0.4 रुपये ही लिए हैं। तो यहाँ से x गुणे में 0.4 किया, बराबर में 34 किया, और x की वैल्यू यहाँ से निकाल ली कितनी आ गई, 85। तो 85 विकेट पूछा जाए, 85 रुपए पूछे जाए, दोनों ही आप आसानी से निकाल सकते हैं। बॉलर ने अभी तक कितने विकेट लिए थे लास्ट मैच तक, तो 85 विकेट लिए हुए थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ट्रेडिशनल तरीका आपको देखने को मिल जाएगा, आप अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है, एवरेज प्राइस ऑफ 10 बुक्स इज़ ₹12, एवरेज प्राइस ऑफ 8 बुक्स इज ₹11.75, ऑफ द रिमेनिंग 2 बुक्स इफ वन बुक हैज़ प्राइस 60% हायर देन द अदर बुक फाइंड द प्राइस ऑफ द बोथ बुक्स। अब क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि 10 बुक्स का जो एवरेज प्राइस है वो कितना है, वो है 12 रुपये, ठीक है, और 8 बुक्स का एवरेज प्राइस कितना है, 11.75 रुपये है। कह रहे हैं कि यहाँ पे जो दो बुक्स निकाल दी गई हैं उनमें से अगर एक का प्राइस दूसरे से 60% अधिक हो तो आपको बताना क्या है कि दोनों बुक्स की प्राइस कितनी होगी। तो ये भी आपका कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है जैसे हमने ऊपर किए हैं अभी क्वेश्चंस। तो कैसे करेंगे इसको भी, हम क्या देखेंगे कि दो बुक्स यहाँ पे निकाली गई हैं, मतलब दो बुक्स जब जाएंगी तो एवरेज के बराबर ही अपने पर लेके जाएंगी, तो उनका एवरेज कितना आ जाएगा आपका, 12 गुणे में 2 करेंगे कितना आ जाएगा टोटल 24, ठीक है, तो इनका सम कितना आ जाता है 24 रुपये। आप इसे अगर रुपए में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 24 रुपए कह सकते हैं, ठीक है, दो बुक्स का ये प्राइस आ गया। फिर उसके बाद हमको क्या पता है कि इन दो बुक्स के जाने के बाद जो इसका एवरेज है यहाँ पे अगर देखिए आप तो इसमें कमी आ रही है, कमी कितने की आ रही है, कमी आ रही है 0.25 रुपीज़ की कमी आ रही है। मतलब ये दोनों बुक्स जो गई हैं इन्होंने बाकी जो 8 बुक्स थी उन सब की पॉकेट में से 0.25 रुपीज़ निकाल लिए हैं। तो कितने रुपए निकाले होंगे वो निकाल लीजिए, 8 गुणे में 0.25 करिए कितना जाएगा, 200 और 20 लगाएंगे तो कितना जाएगा 2, तो टोटल कितना रुपए बुक्स के साथ गया है, वो गया है 26 रुपए गया है दोनों बुक्स के साथ में। इतनी बात आपको समझ में आई, आई होप समझ में आई होगी। फिर यहाँ पे दूसरी कंडीशन पे चले जाते हैं कि एक बुक का प्राइस दूसरी बुक से क्या है, 60% अधिक है। तो ये हमको क्या दे दिया गया, मान लीजिए एक्सपेंसिव वाली बुक है ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो चीपर बुक है, ठीक है, जो चीप बुक है उसे सी से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों बुक्स की प्राइस मिला करके कितनी की होगी, 26 रुपये की प्राइस होगी। लेकिन हमको ये कंडीशन दिया गया है कि जो भी एक्सपेंसिव बुक है वो जो चीप बुक है उससे 60% अधिक है, मतलब इसका आप 160% निकाल लीजिए तो आपको एक्सपेंसिव वाले का प्राइस पता चल जाएगा। तो 100 से अगर भाग देंगे कितना जाएगा, 1.6, मतलब ई की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 1.6 सी, तो यहाँ पे रख दीजिए क्या हो जाएगा, 1.6 सी प्लस सी, और ये कितना जाएगा 26, तो ये कितना जाएगा आपका 2.6 सी बराबर में 26, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.6 है और ये क्या है 26 है, तो कट जाएगा 10 आ जाएगा, सी की वैल्यू आ गई 10, मतलब जो सस्ती बुक थी उसकी प्राइस आ गई 10, तो महंगी वाली की प्राइस एक्सपेंसिव वाली कितनी होगी, 16 होगी, ये तो कॉमन सेंस है निकल आया। ट्रेडिशनल तरीका भी हो सकता है इसे सॉल्व करने का, उससे टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो मेरे ख्याल से इसे आप 10 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये जो मैंने किया हुआ है ये सब तो आप करेंगे नहीं, इतना तो सब आपको गुणा भाग आता ही होगा, तो ये सारी चीज़ें समझाने के लिए की हैं, तो ये सब आप नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से डायरेक्ट आप ये लिखेंगे, देखेंगे कितना है, इसे मल्टीपल कैलकुलेट कर लेंगे पूरा, ठीक है, दिमाग में ही कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ये सारी चीज़ें आप लिखने के बाद 10-12 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल लेंगे। तो इसे आप इसी तरह सॉल्व करिए, और इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, चाहे मैंने इसके पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में, तीसरे पार्ट में भी कराया हूँ, उन सारे क्वेश्चंस को भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।
आपको अगर लगता है तो आप प्रैक्टिस सेट भी निकाल के देखिएगा, आप सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ बैटिंग एवरेज की तरह ही क्वेश्चन है, यही है हमारी एप्लीकेशन। अगर आपने बैटिंग एवरेज वाला क्वेश्चन देख लिया है तो उसके क्वेश्चन ही घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। बैटिंग की जगह आपको इस तरह एवरेज मार्क्स दे सकता है, बुक्स दे सकता है, स्टूडेंट्स दे सकता है, मतलब क्या है, अगर टोटल कहने का मेरे मतलब आप समझ रहे हो तो क्वेश्चन को करने का तरीका एक ही है, बस उसके देखने के तरीके में बदलाव किया जा रहा है। करना कैसे, एक बार आपने सीख लिया तो उसे बहुत सारे तरीके से आप देख सकते हैं, बैटिंग बॉलिंग में देख सकते हैं, स्टूडेंट्स में देख सकते हैं, किसी की इनकम में देख सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन करने का सेम तरीका यहाँ पर फॉलो हो रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन 10 पेपर्स आर 80। फिर से वही, 10 पेपर्स में कितने मार्क्स हैं, 80 नंबर हैं। इफ हाइएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर आर नॉट कंसिडर्ड देन द एवरेज स्कोर इज 81। कि हाइएस्ट और लोएस्ट को नहीं लिया तो अब कितने पेपर बचेंगे, तो 8 ही पेपर बचेंगे और उनका एवरेज स्कोर कितना हो जाएगा, 81। ओके तो कह रहे हैं कि इफ हाइएस्ट स्कोर इज 92, एक स्कोर दे दिया कि उसका हाइएस्ट स्कोर कितना है 92, देन वॉट इज द लोएस्ट स्कोर। ये तो और आसान क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको पता चल गया है कि जब दो सब्जेक्ट आपके दो पेपर्स निकाल दिए गए तो एवरेज क्या है, एक से बढ़ जा रहा है। ठीक है, एक से यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। और वो जो दो पेपर्स हमने निकाले थे वो कितने नंबर्स लेकर के गए थे, तो उसे आप निकाल सकते हैं। पहले एवरेज कितना था, 80 था, तो 80 गुणे में दो करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 160। ओके, ये कितना आ गया, 160। अब 160 ये आ गया आपका, और आपको क्या पता है कि ये जो इनके पास 160 रुपये ये इन्होंने लेकर के गए हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि इनके जाने के बाद जो एवरेज है वो एक एक से बढ़ जाता है। मतलब क्या किया, इन्होंने सबको एक एक रुपये बाँट दिया है। ओके, अपने में से सबको एक एक रुपए बांट दिया है, तो कितने लोगों को बांटा होगा, टोटल 8 लोग हैं, इनको एक एक रुपए बांटा होगा, तो कितने रुपए बटे होंगे, 8 रुपए बटे होंगे। आई होप इतना समझ में आया। तो अब इनके पास टोटल रुपया बचा कितना होगा, तो वो होगा 160 में से 8 को यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 152। घटाएंगे क्यों, क्योंकि इन्होंने पैसा बांटा है, दिया है। ओके, अगर लिया होता तो जोड़ देते, लेकिन जब दिया है पैसा तो घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 152। 152 आ गया इनके पास टोटल रुपया बचा हुआ है। मतलब हाईएस्ट स्कोर प्लस लोएस्ट स्कोर बराबर कितना, 152। तो हाईएस्ट स्कोर कितना दे दिया है, 92। तो लोएस्ट स्कोर कितना होगा, 152, और इसमें से 92 माइनस करिए कितना आ जाएगा, 0। 15 में से 9 चला जाएगा, कितना आएगा, 60। लोएस्ट स्कोर कितना आ गया, 60। तो देखिए ये क्वेश्चन भी हमने इसी तरीके से कर लिया। ट्रेडिशनल मेथड में जाएंगे तो थोड़ा सा लंबा होगा, करना तो आसान ही है, बस थोड़ा सा लंबा हो जाता है और कुछ नहीं है। ऐसे करेंगे स्मार्ट वे में तो मेरे ख्याल से जल्दी आपसे हो जाएगा। और ये तरीका सिर्फ यहाँ पे 4-5 क्वेश्चंस जो मैंने कराए यहीं पे काम नहीं आएगा, पूरे एवरेज के कॉन्सेप्ट में आप इसी तरीके का अगर लेके चलते हैं, फिर चाहे वो टफ़ क्वेश्चन हो या चाहे आसान क्वेश्चन हो, सारे ही क्वेश्चन आप कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस इसमें एक समझने वाली बात ये थी कि कुछ लोग इसे जोड़ देते हैं, यहीं पे गड़बड़ हो जाती है उनके लिए, अगर वो समझ नहीं पा रहे हैं तो। देखिए यहाँ पे पैसे को दे रहे हैं तो पैसे को घटाना पड़ेगा, जब हम पैसे लेते, ठीक है, जब ये जो पर्सन से यहाँ से या दो बुक से यहाँ से या दो स्टूडेंट यहाँ से पैसे ले रहे थे तो लेते तो यहाँ पे हम घटा देते, लेकिन ये क्या प्लस वन कर रहे हैं, मतलब ये पैसा दे दे के जा रहे हैं सबको कि एक एक रुपए सबको बांट दिया है इन्होंने। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम घटा देंगे तो हमको टोटल वैल्यू मिलेगी। इतना सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, फिर आपका आगे का जितना भी काम है वो आसान हो जाता है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, जो मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है आप समझ गए होंगे कि सारे क्वेश्चंस आपके लगभग एक ही तरह के होते हैं, बस देखने का तरीका अलग होता है। और जो यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट आपको आज बताया है, ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट जरूर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आप सबके कमेंट्स देखता हूँ कि आप क्या कमेंट कर रहे हैं, पढ़ता भी हूँ और समय निकाल के उन पर जवाब भी देता रहता हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको इसी तरह की सारी वीडियोस में देता रहता हूं रोज, जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो सकेगी। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे एंड बाय।